हमारे समाज में एक बहुत प्रचलित कहावत है, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। इसका मतलब सरल भाषा में समझे तो अगर दो लोग किसी रिश्ते के लिए राजी हैं तो कोई बाहरी कितना भी प्रयास करे उनके रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। लेकिन गौर करने की बात यह है कि क्या आज भी ये कहावत प्रासंगिक है, आइए देखते हैं। हाल में ही दो बीजेपी शासित राज्य कथित लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आए हैं, वे राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसी के साथ कई बीजेपी शासित राज्य जैसे कर्नाटक और हरियाणा भी इसके खिलाफ कानून लाने की बात कर रहे हैं। अब इन कानूनों के आने के बाद काजी साहब की पावर और बढ़ जाएगी, उनकी भी रजामंदी महत्व रखेगी। जी हां, काजी साहब का यहां मतलब है सरकार से। अब कानून की बात हुई है तो हम अपने संविधान की तरफ थोड़ा नजर डालते हैं। आर्टिकल 14 यानी कि समानता का अधिकार, यानी कानून के सामने सब बराबर। आर्टिकल 15 यानी कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। आर्टिकल 16 यानी कि अवसरों की समानता। आर्टिकल 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ जी, तो अब अगर सरकार दो वयस्क नागरिकों को शादी करने से रोकती है तो सवाल यह उठता है कि क्या वो संविधान के इन नियमों को उल्लंघन नहीं कर रही है। एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में यानी कि 11 नवंबर को विशेष रूप से कहा कि अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ रहने का अधिकार, इसके बाद भी आपने किस धर्म को स्वीकार किया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में अंतर्निहित है। और गौर करने वाली बात यह है कि लाइव लॉ में छपी खबर जो कि 1 दिसंबर 2019 के मुताबिक पिछले एक महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 125 से अधिक अंतर्विश्वास या जाति जोड़ों को संरक्षण दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद के केसों की जांच के लिए SIT टीम बनाई थी, लेकिन उस टीम की रिपोर्ट उनके लव जिहाद बढ़ने के दावों के उलट है। द वायर में छपी खबर के मुताबिक कानपुर शहर के सभी 22 पुलिस स्टेशनों को हिंदू मुस्लिम जोड़ों के संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था, लेकिन केवल 14 मामले ही सामने आए जिसकी जांच विशेष टीम ने की। SIT की रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि 14 मामलों में से 8 मामलों में हिंदू महिलाओं ने या तो मुस्लिम पुरुषों से शादी की थी या अपनी मर्जी से उनके साथ थी। 6 मामलों में दर्ज की गई FIR की भी अभी तक जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश से ही लव जिहाद के मामलों में से 2 ऐसे केस आए जिसमें पुलिस प्रशासन का दोहरा रवैया नजर आया। इंडियन एक्सप्रेस के 8 दिसंबर 2020 में छपी खबर के मुताबिक बरेली में पुलिस ने एक पिता की शिकायत पर कि उसकी बेटी ने धर्म परिवर्तन के बाद एक हिंदू व्यक्ति से शादी की थी, कोई कार्रवाई नहीं की गई और पुलिस ने यह दलील दी कि उनकी शादी कानून लागू होने से पहले सितंबर में हुई थी। वहीं मुरादाबाद में पुलिस ने धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत एक मुस्लिम व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जबकि उसकी पत्नियां कहना था कि उनकी शादी जुलाई में हुई थी। अब इससे क्या समझा जाए? हमने उत्तर प्रदेश में लाए गए धर्मांतरण विरोधी कानून को लेकर लखनऊ की वरिष्ठ एडवोकेट से बात की, आइए देखते हैं क्या है उनका कहना। अगर आप देखें तो ये जो फोर्सफुल इंटर कन्वर्जन की बात की जा रही है, फोर्सफुल इंटर कन्वर्जन में सबसे पहले तो पॉलिटिकल पार्टीज जो रही हैं उन्होंने हमेशा ये प्रोपेगेंडा हमेशा किया और एंटी रोमियो और लव जिहाद के नाम पर इसको, इस ऑर्डिनेंस को बनाया गया। लेकिन इस ऑर्डिनेंस को बनाने में ही लव जिहाद नाम ऑर्डिनेंस में कहीं पे भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी ऑर्डिनेंस में किसी भी चीज़ का नाम रखा जाता है और लव जिहाद नाम वो ऐड करते तो उनको लव जिहाद की परिभाषा देनी पड़ती। पूरे देश में, ऑल ओवर इंडिया, कर्नाटका से लेकर के उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इस पर एक स्टडी की गई जो कि गवर्नमेंट की स्टडी थी, जिसमें लव जिहाद में फोर्स कन्वर्जन नाम की कोई भी रिपोर्ट सामने नहीं आई। और इवन अगर हादिया के केस में भी देखा जाए तो हादिया के केस में भी
सुप्रीम कोर्ट ने जो इन्वेस्टिगेशन करने की बात की, तो इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसी कोई बात नहीं आई कि हादिया का भी फोर्स कन्वर्जन किया गया था। अगर आप इसमें और भी गहराइयों में जाएं तो देखिए, राइट टू पर्सनल लिबर्टी में जो सुप्रीम कोर्ट का 9 जजेस का जजमेंट था, उसमें भी ये साफ साफ तौर से बताया गया है कि हमारी पर्सनल चीज़ें क्या है, हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ घूमेंगे, कौन सा वर पति या पत्नी चुनेंगे, ये सब कुछ हमारा पर्सनल इंडिविजुअल राइट है और जिसको अवेल करने से हमें कोई भी सरकार हो, बीजेपी सरकार हो या किसी भी तरह की सरकार हो, वो हमारे इस राइट को कर्टल नहीं कर सकती है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जो ये बार बार यूपी सरकार ऑर्डिनेंस लाती है, तो ऑर्डिनेंस को अगर देखा जाए तो आर्टिकल 213 में ये गवर्नर को अधिकार है कि वो ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में। और इस वक्त ऐसी कौन सी इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसपे ये ऑर्डिनेंस बनाने की जरूरत पड़ी? अब इतनी बात हो ही गई है तो बात कर लेते हैं हमारे देश में भिन्न भिन्न धर्मों के अपने कानून होने के बाद भी किस कानून के तहत किसी धर्म या जाति के दो व्यक्तियों के बीच विवाह संपन्न होता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 इस अधिनियम के तहत किसी भी धर्म या संप्रदाय के दो व्यक्तियों के बीच विवाह संपन्न हो सकता है, लेकिन इस कानून में भी एक पेच है। इस अधिनियम की धारा 5 और 6 के अनुसार जोड़ों की शादी के पंजीकरण से 30 दिन पहले विवाह अधिकारी को एक नोटिस भेजना पड़ता है और इस नोटिस में उनका नाम, पता आदि शामिल होता है। इस नोटिस को अधिकारी अपने ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर लगाता है और 30 दिन तक अधिनियम की धारा 4 की शर्तों के आधार पर अगर कोई सार्वजनिक आपत्ति नहीं होती है तो ही विवाह संपन्न हो सकता है। अब गौर करने की बात यह है कि अंतर धार्मिक जोड़ों की निजी जानकारी साझा होने के बाद उनके लिए खतरा और बढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून आने के बाद यह खतरा और भी बढ़ गया है। जाते जाते हम कुछ सवाल उठा रहे हैं जिन पर सोचना बहुत जरूरी है। अभी के समय में जब हमें स्पेशल मैरिज एक्ट के उन प्रावधानों को हटाने की जरूरत थी जिसमें निजी जानकारी साझा करने का जिक्र है, तो लव जिहाद जैसा कानून क्यों? जब संविधान के द्वारा हमें व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है तो उस पर पहरा क्यों? खबरें बता रही हैं कि ज्यादातर जोड़े अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तो समाज में लव जिहाद जैसा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश क्यों?